हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट बाय जेएम। बात करेंगे मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस एक ऐसी आईपीएल टीम जो लगातार टैलेंटेड प्लेयर्स को प्रमोट करती है और वो प्लेयर्स इस तरह से निखर कर सामने आते हैं मुंबई इंडियंस में जाने के बाद कि सीधे टीम इंडिया में एंट्री करते हैं और लेजेंड बनने की राह पर चल उठते हैं। चाहे वो आप खुद रोहित शर्मा की बात कर लें, चाहे आप जसप्रीत बुमराह को देख लें, ईशान किशन को देख लें, एक एक खिलाड़ी आपको नजर आएगा उस तरह से। और अब एक और खिलाड़ी इसमें जोड़ दिया है रोहित शर्मा ने, जिसकी भविष्यवाणी खुद कप्तान रोहित शर्मा ने की है। रोहित शर्मा ने कहा है कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसका नाम है तिलक वर्मा, उन्होंने कहा कि वो पिछले साल से लेकर अब तक हमारे लिए जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं वो शानदार है, जितना उन्हें देखा है। और उन्होंने तो युवराज सिंह से लगभग लगभग तुलना कर दी उनकी, और वो भी क्यों ना, क्योंकि अगर हम उनके आंकड़ों को देखेंगे तो पिछले साल ही 14 मैच खेले थे, करीब करीब 400 रन थे, 140-45 का स्ट्राइक रेट था। और इस साल अगर हम देखेंगे तो वो आंकड़े और बेहतर नजर आते हैं। इस साल उन्होंने अब तक 5 मैच खेले हैं, 200 से ऊपर रन बनाए हैं, 140 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है, तो वहां पर भी चीजें बेस्ट नजर आती हैं। और अगर ओवरऑल आईपीएल करियर की बात करें तो 19 मैचेस खेले हैं, 600 से ऊपर रन है, 40 के ऊपर की एवरेज है और 139 का स्ट्राइक रेट है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ना तो ये बैट्समैन इनकंसिस्टेंट है और ना ही इसके स्ट्राइक रेट में कोई कमी है, दोनों चीजें आपको ये देता है। तो रोहित शर्मा ने इसी के कारण कहा कि अब आप आगे देखेंगे कि ये और कई सारी टीमों के लिए खेलता हुआ नजर आएगा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब क्योंकि इंडियन प्लेयर्स किसी बाहर के लिए को खेलते नहीं है तो बचता क्या है, इंडिया टीम। बाकी डोमेस्टिक तो वो खेल ही रहे हैं, तो और टीमें का मतलब यही था कि खेलने वाले हैं तिलक वर्मा बहुत जल्द इंडिया के लिए। और इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि हो सकता है रोहित शर्मा इंडियन टीम के कैप्टन है, मुंबई इंडियंस के कैप्टन है, तो कब तिलक वर्मा खेल जाए। अगर तिलक वर्मा रोहित शर्मा को भा गए हैं तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि वो जल्द ही इंडियन टीम में एंट्री भी कर लेंगे। तो आप भी बताइए क्या तिलक वर्मा की एंट्री इंडियन टीम में होने वाली है या फिर नहीं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए, फॉलो कीजिए हमें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस तरह के लगातार वीडियोस पाने के लिए।